नमस्कार साथी, स्वागत आपका आपके परिवार के अंदर। नेवरी परिवार में स्वागत करने के लिए तैयार है आपका हॉस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र सिंह ने। साथियों, अपना राजस्थान का जलवायु चलिए। राजस्थान की जलवायु के 5 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं और कल की क्लास के अंदर अपन ने कुछ चैलेंज क्वेश्चन दिए थे। डालते हैं हम चैलेंज क्वेश्चन की सरसरी नजर, देखते चलिए साथियों। सबसे पहला चैलेंज क्वेश्चन था कि तापक्रम प्रवणता, यानी तापक्रम जो प्रवणता है ये किस राजस्थान में अधिक पाई जाती है। तो साथियों, तापक्रम जो प्रवणता है ये उत्तरी राजस्थान के अंदर अधिक पाई जाती है। प्रवणता, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रवणता क्या है? प्रवणता है तापमान में परिवर्तन की जो दर है, उस दर को साथियों क्या कहा जाता है? तापक्रम प्रवणता कहा जाता है। साथियों, उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है। सबसे अधिक आर्द्रता अगर किस महीने में होती है, वो अगस्त के महीने में, और सबसे कम आर्द्रता वाला जो महीना है वो कौन सा है? अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है, जबकि सबसे कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा? अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता होती है प्रातः काल में या फिर दोपहर में या फिर दोपहर के बाद में। तो साथियों, सर्वाधिक आर्द्रता होती है प्रातः काल में। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे साथियों वाष्पीकरण होने लग जाता है और वो जो ह्यूमिडिटी है वो वायुमंडल की उन परतों से हट जाती है। तो सर्वाधिक जो आर्द्रता रहती है वो रहती है प्रातः काल। सर्वाधिक तेज हवाएं कौन से महीने में चलती हैं? जून महीने में चलती हैं, जबकि हल्की हवाएं कब चलती हैं? नवंबर में। इसके बाद में साथियों, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि कौन सा जिला किस प्रदेश के अंदर आता है। शुष्क प्रदेश, जैसा कि मरुस्थल प्रदेश है, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश, जैसा कि 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, स्टेपी। हाँ, कल थोड़ा यहाँ भूलवश सवाना घास का मैदान लिख दिया गया था, तो आप इसको स्टेपी माने, सवाना नहीं है ना, गलतियां हो जाती कई बार, ये स्टेपी। उसके बाद में उपाद्र, उपाद्र में पतझड़ 40 से 60, आद्र के अंदर सघन पतझड़ 60 से 80, और बात करें साथियों अति आद्र के अंदर सदाबहार और सवाना, यहाँ पे 80 से 120। तो साथियों, शुष्क में कौन कौन से जिले आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे शुष्क में जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग है, जोधपुर की फलोदी तहसील आती है, बीकानेर का पश्चिमी भाग है और श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग। ऐसे ही साथियों, अर्ध शुष्क में बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर का पश्चिम भाग, जोधपुर, बाड़मेर। अर्ध शुष्क में आपको बताया कि जो प्रतिनिधि जिला होगा, शुष्क में प्रतिनिधि जिला कौन सा था? जैसलमेर। अर्ध शुष्क में प्रतिनिधि जिला कौन सा? बीकानेर। उपाद्र में प्रतिनिधि जिला कौन सा? जयपुर। और बात करें आद्र के अंदर प्रतिनिधि जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा आद्र के अंदर प्रतिनिधि जिला? सवाई माधोपुर। उसके बाद में साथियों, पर ने बात की अति आद्र के अंदर जो प्रतिनिधि जिला था वो कौन सा था? झालावाड़। और इन सवालों का सबसे पहले जवाब जो कमेंट किया मेरे पास नाम आए हैं, मैं भी आपको देख के बताता हूँ। इन सवालों का जवाब सबसे पहले दिया रुचिका ने, आर डी वर्मा ने, अंकित बिश्नोई ने, गौरव शर्मा ने, पूजा पारिक ने, शिवालिका शेखावत ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन जिन्होंने कुछ गलतियां की थी उत्तर देते समय, वो इन गलतियों को थोड़ा सा सुधार लें। और एक बार के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आज की क्लास को करते हैं शुरू। शाबाश, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कर लीजिए नोटबुक के अंदर नोट। शाबाश, वेरी गुड। तो साथियों, आज अपना चल रहा है कॉपेन और जलवायु किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कॉपेन ने जलवायु में क्या काम किया, थानथवेट ने जलवायु में क्या काम किया, और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दो इसको। क्यों? क्योंकि कॉपेन का वर्गीकरण आज तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स के लिए एक माथापच्ची का काम है। क्यों है? क्योंकि मैटर पूरा नहीं मिलता किताबों में, और मिलता है तो समझ नहीं आता। आज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको देखिए कि कॉपेन का वर्गीकरण अपने राजस्थान में किस प्रकार से। तो साथियों, बात करते हैं अपन कॉपेन की। तो भाई साहब, ये जो कॉपेन थे, कॉपेन कोई राजस्थान में नहीं आए वर्गीकरण करने, इन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण नहीं किया जलवायु, इन्होंने एक वैश्विक परिदृश्य के अंदर जलवायु का वर्गीकरण किया था। अब वैश्विक परिदृश्य में जलवायु का वर्गीकरण कॉपेन ने किया, सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण किया मेरे प्यारे साथियों 1900 ईस्वी में। यानी कॉपेन का सबसे पहला वर्गीकरण कब आया? 1900 में। उसके बाद में साथियों 1918 के अंदर इन्होंने एक संशोधन किया,
फिर मेरे प्यारे साथियों 1936 में इन्होंने संशोधन किया और इनके बाद में 1953 के अंदर भी एक संशोधन हुआ। कुल मिलाके कोपेन जो थे, व्लादिमीर पुतिन कोपेन, इन्होंने क्या किया, ये जलवायु का वर्गीकरण दिया। अब ये कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण किया, जलवायु के प्रदेश बांटे, किस आधार पर बांटे। भाई मैं कहूं कि यहां की जलवायु ऐसी है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं वहां 20 साल तक रहा फिर मैंने देखा कि यहां की जलवायु ऐसी है। वहां पाई जाने वाली कुछ वस्तुओं को, कुछ प्राकृतिक जो वहां आधारभूत ढांचा था उसको बेस बना करके कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। अब भाई साहब उन्होंने बेस बनाया क्या, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में जो आधार बनाया प्यारे साथियों वो बनाया वनस्पति। प्रश्न सीधा सा कहा जाता है परीक्षाओं में कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या, कैसे आएगा प्रश्न, प्रश्न आएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार रहा है साथियों वो क्या रहा है, वो रहा है आपका वनस्पति। हालांकि उसके बाद में इन्होंने तापमान को भी इसमें शामिल किया था, लेकिन जो मूल आधार रहा है इनके जलवायु वर्गीकरण का वो प्यारे साथियों क्या रहा है, वनस्पति। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति, ठीक बात। दूसरे नंबर पे बात करते हैं साथी, कोपेन ने जो वनस्पति को आधार मान लिया फिर जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया, तो जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने से पहले इन्होंने एक कैंडोल नाम के भूगोलवेता थे, कैंडोल नाम के भूगोलवेता थे, उन्होंने पूरे विश्व में वनस्पति प्रदेशों का निर्धारण किया था पांच तरीके से। कितने तरीके से, पांच तरीके से। अब वो पांच तरीके में अपने को इतना ही याद रखना है, मेगा थर्मल, मेसो थर्मल, माइक्रो थर्मल, हेकिस्टो थर्मल, जेरोफाइट्स, वो नहीं याद करने, हमें इतना याद करना है कि कोपेन ने क्या खुद से वनस्पति को लिया, नहीं, कोपेन ने कैंडोल वाली वनस्पति को क्या माना, आधार माना। अब जरा गौर करेंगे साथी, इन्होंने वर्गीकरण से पहले कुछ एक कूट दिए, कुछ एक कोड दिए, और ये कोड कौन से थे जरा गौर करें, यानी जो अल्फाबेट है उसको इन्होंने आधार माना, यानी जैसे ये प्रदेश है अब इसको क्या कहा जाए, तो इन्होंने अपना एक कोडवर्ड बना लिया और उसी कोडवर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लो कि कोई दुश्मन है उसके साथ युद्ध करना है, और जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती थी तो पहले के राजा महाराजा वगैरह कोड ही रखते थे, यानी उधर से मैं भाला दिखाऊंगा तुझे क्या करना है, मैं ए बोलूंगा तो तुझे क्या करना है, मैं बी बोलूंगा क्या करना है, जो भी। अब मेरे प्यारे साथी कोपेन ने कोड लिया, कोड में कुछ नहीं याद कर, आप इतना तो जानते हैं ये अपना आधा ही बनाएंगे अपना ना, ये अपना भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है जी। अपन ने पढ़ा है पहले कि भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा, इधर मकर रेखा वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है। कोपेन ने एबीसीडी दिए, ध्यान रखना, कोपेन ने यहां लिख दिया ए, सी को बी को छोड़ दो एक बार, यहां लिख दिया सी, यहां लिख दिया डी, यहां लिख दिया ई। अब क्या है जी, सुनो मेरी बात, कोपेन ने कहा कि मैं जहां जहां ए लिखूंगा वहां वहां आपको समझना है मैं कैसी जलवायु की बात कर रहा हूं, मैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात कर रहा हूं। कोपेन ने कहा कि जहां जहां मैं ए लिखूंगा वहां वहां कौन सी जलवायु होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक भाई साहब। कोपेन ने कहा मैं जहां जहां बी लिखूंगा, मैं जहां जहां बी लिखूंगा वहां वहां जलवायु कैसी होगी, वहां वहां जलवायु होगी मरुस्थलीय। बी जहां भी लिख दिया इसका मतलब वहां मरुस्थल है, ठीक बात है जी। उसके बाद कोपेन ने कहा मैं जहां जहां सी लिखूंगा
मैं जहां जहां सी लिखूंगा वहां की जलवायु होगी उपोष्ण जलवायु, जहां जहां सी लिखूंगा वहां की जलवायु क्या होगी उपोष्ण जलवायु, ठीक बात है। उसके बाद कोपेन ने कहा कि मैं भाई साहब जहां जहां डी लिखूंगा वहां की जलवायु कैसी जलवायु होगी शीतोष्ण, और शीतोष्ण में कैसी शीत, शीत शीतोष्ण, और ये सी वाली है इसे समशीतोष्ण भी कहा जा सकता है। उपोष्ण अपन इसलिए काम में ले रहे हैं कि उष्ण के ठीक पास वाला था, और कोपेन ने कहा भाई साहब जहां जहां मैं ई लिख दूंगा वहां वहां जो जलवायु है उस जलवायु को क्या कहेंगे ध्रुवीय जलवायु। पांच याद हो जाएंगे ए बी सी डी ई, याद करो ए बराबर उष्णकटिबंध, बी बराबर मरुस्थल, जहां मर्जी बी लिखेगा कोपेन वहां क्या बोलेंगे अपन मरुस्थल है, सी लिख दिया उपोष्ण है, डी लिख दिया शीतोष्ण है शीत वाला 45 डिग्री से ऊपर वाला, ई लिख दिया ध्रुवीय है। कोपेन ने कहा मैं और भी लिखूंगा, बोले लिख दो। कोपेन ने कहा मैं लिखूंगा एफ, मैं लिखूंगा टी, जहां जहां मैं टी लिखूंगा वहां वहां आप समझेंगे टुंड्रा, और जहां जहां मैं एफ लिखूंगा वहां वहां समझेंगे आप हिमाच्छादित, यानी जहां वर्ष भर बर्फ जमी। क्या रुक रहे हैं क्या कोपेन, अभी अभी कौन रुके हो? कोपेन ने कहा प्यारे साथियों मैं और भी कुछ लिखूंगा, बोले लिख दो जी क्या जाता है, अब लिखने लगी है। कोपेन कह रहे मरुस्थल है, ठीक बात है, लेकिन मरुस्थल में दो मरुस्थल हो सकते हैं, एक तो मरुस्थल हो सकता है जो बिल्कुल सूखा मरुस्थल। कोपेन ने कहा कि मरुस्थल दो हो सकते हैं, कौन कौन से दो, एक बिल्कुल सूखा यानी अपन यूं कहें शुष्क मरुस्थल, जहां जहां शुष्क होगा वहां वहां डब्लू लिखूंगा, और जहां जहां प्यारे साथियों अर्ध शुष्क होगा वहां वहां में क्या लिखूंगा, वहां वहां में एस लिखूंगा। अर्ध शुष्क बोले तो एस, शुष्क बोले तो डब्लू, ठीक बात, अर्ध शुष्क बोले तो एस और शुष्क बोले तो डब्लू, ठीक बात, अर्ध शुष्क बोले तो एस और शुष्क बोले तो डब्लू। अब जरा गौर करना, ये पहली एबीसीडी है, दूसरे नहीं है, कैपिटल डब्लू है, ये कैपिटल एस है, स्मॉल भी आएंगे क्या, घबराइए नहीं मुस्कुराइए, आप कोपेन का वर्गीकरण पहली बार शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज स्टेप टू स्टेप बने रहिए, लास्ट में ये कहानी तो ऐसे लगेगी कि अरे कोपेन का वर्गीकरण तो बड़ा इजी पड़ा है, यानी हमें रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाना होता तो मैं चार बता देता यहाँ पे, यहाँ पे ए डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे सी डब्ल्यू जी आ गया, यहाँ पे बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे बी एच डब्ल्यू, नहीं यहां आपको देखते चलना है। अब कोपेन ने छोटे दिए, छोटे में कह दिया, कोपेन ने कहा कि भाई साहब मैं छोटा एस लिखूंगा, और छोटे एस का मतलब होगा समर ड्राई। अब समर ड्राई का मतलब क्या होता है, समर का मतलब क्या होता है बताएंगे जरा आप मुझे। उसके बाद उन्होंने कहा डब्लू, डब्लू बोले तो विंटर ड्राई, डब्लू बोले तो विंटर ड्राई, समर ड्राई का मतलब जहां जहां गर्मियों में वर्षा नहीं होगी वहां वहां मैं छोटा एस लिखूंगा, और जहां जहां सर्दियों में वर्षा नहीं होगी वहां वहां प्यारे साथियों में क्या लिखूंगा डब्लू लिखूंगा। बोले लिख दो जी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोले और भी लिखोगे, बोले लिखूंगा, बोले लिखो। इन्होंने कहा कि जहां जहां पर मानसूनी जलवायु होगी वहां वहां मैं एम भी लिखूंगा, बोले ठीक लिख दो। इसके बाद इन्होंने कहा कि जहां जहां काफी अधिक वर्षा होगी वहां वहां मैं एफ भी लिखूंगा, यानी वर्ष भर वर्षा, एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा। इसके बाद इन्होंने कहा मैं जहां जी लिख दूंगा इसका मतलब हो जाएगा गंगा तुल्य जलवायु, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र जहां आ जाएगा वहां मैं क्या लिखूंगा जी लिखूंगा, ठीक बात है, गंगा का मैदानी क्षेत्र आते क्या लिखना है जी। इसके बाद इन्होंने कहा मैं एच लिखूंगा, और एच लिखूंगा इसका मतलब यहां टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा रहता है, और जहां मैं के लिख दूंगा
वहां टेम्परेचर 18 डिग्री से क्या रहता है, कम रहता है। इसके बाद इन्होंने कहा मैं एन भी लिख सकता हूं, जहां वर्ष भर क्या रहता है, कोहरा रहता है। प्यारे साथियों ए बी सी डी और भी बहुत से हैं, इनकी मैं अलग से क्लास लेके आ रहा हूं एक फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए और नेट जियोग्राफी वालों के लिए अलग से कोपेन के वर्गीकरण की विस्तारित क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर पूरा अपन कैंडोल के वनस्पति वाले वर्गीकरण को भी समझेंगे। यहां चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कांस्टेबल भाई जो है, ये पटवार के अंदर भाई बहन जो है, ये कहेंगे गुरु जी क्यों ज्यादा माथा फोड़ी करवा रहे हो। यहां मैं एक बार इनको कोपेन को समझाना चाह रहा हूं, एक समराइज कर रहा हूं मैं, समझ रहे मेरी बात आप, यानी मैं इसको बिल्कुल समराइज कर रहा हूं, छोटा बनाया मैंने। अब आपको ये छोटा है तो बड़ा बड़ा बहुत है। अब जरा गौर करें साथी, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे आप, उसके बाद आगे चलेंगे। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया 1900, किसको आधार माना, वनस्पति, ऊट दी, ए बराबर उष्णकटिबंध, बी बराबर मरुस्थल, सी बराबर उपोष्ण, सी बराबर उपोष्ण, डी बराबर शीतोष्ण, ई बराबर ध्रुवी, ई बराबर ध्रुवी, ई बराबर ध्रुवी, ए उष्ण, बी मरुस्थल, सी उपोष्ण, डी शीतोष्ण, ई ध्रुवीय। अब बी मरुस्थल है, बी क्या है, मरुस्थल है। तो साथियों ये बी वाला जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के कितने भाग होते हैं, दो, एक तो होता है डब्लू, डब्लू बोले तो विंटर ड्राई, एस बोले तो समर ड्राई, ये वाला नहीं है, ये वाला तो नीचे आएगा, ये छोटे हैं। डब्लू बोले तो बिल्कुल वार्म, गर्म और शुष्क, एस बोले तो स्टेपी तुल्य, अर्ध शुष्क। डब्लू का मतलब शुष्क मरुस्थल, एस का मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में प्यारे साथियों ये आ गए आपका, इधर आप देख रहे हैं क्या, एस बोले तो छोटा एस है समर ड्राई, डब्लू बोले तो विंटर ड्राई, एम बोले तो मानसून, जी बोले गंगा, एफ बोले वर्ष भर, एच से 18 डिग्री हाई, के से 18 डिग्री कम, एन वर्ष भर को। अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। और साथियों अब इसमें से राजस्थान में क्या क्या है वो अपने को देखना है, देखते चलिए। आप मुझे ये बताएं कि क्या राजस्थान में, अब अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं साथियों, राजस्थान में क्या ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। अब अपन राजस्थान की बात करने लग गए, अब यहां काटा लगाते चलेंगे, राजस्थान में क्या ई टाइप जलवायु पाई जाती है, नहीं, ध्रुवीय जलवायु नहीं, ध्रुव तो यहां पे 90 डिग्री और राजस्थान तो 90 डिग्री के पास नहीं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति तो कहां से कहां है, 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट तक, यही है ना, जरा गौर करें। क्या राजस्थान के अंदर, राजस्थान 45 से ऊपर है क्या, नहीं है, तो राजस्थान में ये वाला भी मुद्दा नहीं पाया जाए। यानी कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान में ना तो ई टाइप की जलवायु है, ना डी टाइप की जलवायु है, और ना ही यहां एफ टाइप की जलवायु है, और ना ही यहां टी टाइप की जलवायु। फिर गुरु जी लिखा क्यों है, लिखा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे जवानों भाई बहनों, इसलिए लिखा है कि मान लेते हैं प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जलवायु का एक प्रकार नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आपको ये करना है, नहीं है पता तो होना चाहिए ना कौन सा नहीं है, ई नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है और टी नहीं है, ये अपने नहीं है। अब गौर करें जरा, क्या ए आएगा राजस्थान में, आप ही बताओ, क्या राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा उष्णकटिबंध में नहीं आता, आता है, क्या राजस्थान में मरुस्थल नहीं है, है, क्या राजस्थान में उपोष्ण आता है, बिल्कुल आता है। अब जरा गौर करें, आप मुझे ये बताएंगे, एस बोले तो समर ड्राई, गर्मियां सूखी, गर्मियों में वर्षा नहीं हो, अब हमारे गर्मियों में वर्षा होती है सर्दियों में, तो हमारे वर्षा कब होती है, गर्मी में, तो साथियों अपन क्या करेंगे, अपने समर ड्राई वाला ऑप्शन नहीं आएगा, अपने कौन सा आएगा, विंटर ड्राई, बोले तो जहां शीतकाल शुष्क रहता है वहां पे अपन डब्लू लिखेंगे, एस काम में नहीं आया, ठीक है। क्या हमारे 18 से कम तापमान रहता है उष्ण रूप से, नहीं रहता, ये भी काम नहीं आएगा, हमारे तो तापमान 18 से ज्यादा ही रहेगा कहने पे। क्या वर्ष भर कोहरा पड़ता है, नहीं पड़ता, क्या हमारे वर्ष भर वर्षा होती है, नहीं होती, एफ भी काम में नहीं आएगा,
क्या हमारे मानसूनी जलवायु है, लेकिन कोपेन महोदय के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में नहीं पाई जाए। अब जरा गौर करें साथी, मैं जो नहीं अपने काम के उनको मिटा रहा हूं, अपने राजस्थान में ध्रुवीय है नहीं, शीतोष्ण है नहीं, उष्ण उपोष्ण है नहीं, अब हिमाच्छादित नहीं, टुंडरा नहीं। अब जरा गौर करेंगे, जो है वो एक बार अपन लिख लेते हैं और फिर उसके अंदर अपन इनको सेट कर लेते हैं और आराम से आपको ये चीजें याद हो जाए। तो साथियों देखिए, ए बराबर क्या है, ए बराबर है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक बात। बी बराबर क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल में कितने पार्ट बनाए मित्रों, दो। एक तो बनाया कौन सा, बड़ा डब्लू, बोले तो शुष्क। इसके बाद प्यारे साथियों एक बनाया बड़ा एस, बोले तो अर्ध शुष्क। अब इसके बाद साथियों सी बराबर क्या है, सी बराबर है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उपोष्ण यानी उष्ण के ठीक पास वाला। अब ये सी जो उपोष्ण कटिबंध है मेरे प्यारे साथियों, इस उपोष्ण कटिबंध को ही कहा जाता है समय शीतोष्ण, समय शीतोष्ण, और ये तीनों ही अपने काम में आएंगे यहां। अब जरा गौर करें, छोटे में क्या था, एस समर ड्राई, काम में नहीं है मिटा। डब्लू विंटर ड्राई यानी सर्दियां क्या रहें, सर्दियां शुष्क रहें, छोटा डब्लू है। उसके बाद में जी, जी का मतलब गंगा तुल्य, और जी के बाद में साथियों एक एच, एच का मतलब टेम्परेचर 18 से प्लस। अब आप सारे समझदार प्राणी हैं तो आप मुझे इस मैप में बताते चलें, आप ये बताओ अपने राजस्थान के कौन से भाग के अंदर मरुस्थल है, जरा गौर करें और बताएं। क्या यहां मरुस्थल है, क्या है, मैं लिख देता हूं बी। क्या यहां मरुस्थल है, है, मैंने लिख दिया बी। अब इधर देखिएगा, मरुस्थल तो है लेकिन शुष्क कौन सा है, अर्ध शुष्क कौन सा है, जरा गौर करें। शुष्क अर्ध शुष्क, शुष्क कौन सा है, ये वाला, तो यहां मैंने लिख दिया बड़ा डब्ल्यू। अर्ध शुष्क ये वाला, यहां लिख दिया मैंने एस। अब साथियों टेम्परेचर तो 18 से ज्यादा ही होता है दोनों में, एच और यहां भी एच। अब एक बात बताएं, क्या राजस्थान में विंटर ड्राई होता है, बिल्कुल, सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। ये डब्लू और ये छोटे वाला डब्लू, ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये बी एस एच डब्ल्यू। अब मेरे प्यारे साथियों आप मुझे ये बताएं, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है अब वो किस में आएगा, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो आएगा उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध आ गया ए, और ए के बाद में सॉरी डब्लू तो आएगा ही। डब्लू क्यों आएगा, क्योंकि विंटर ड्राई, विंटर ड्राई का मतलब यहां शीतकाल जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है साथियों, शीतकाल यहां पे शुष्क पाया जाता है। इसके बाद में अब एक और बच गया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, बच गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इस वाले भाग में आप मुझे बताओ, उष्ण से ठीक ऊपर होने को पूरा राजस्थान उपोष्ण में है, उत्तर वाला पूरा ही कर्क रेखा से ऊपर, लेकिन प्यारे साथियों यहां मरुस्थल लिख चुके हैं अपन, तो यहां अपने पास सी को लिखने के लिए केवल और केवल ये वाली जगह बची, सी आ जाएगा यहां। सी के साथ साथ अब विंटर ड्राई है क्या, है, और क्या एक गंगा मैदान का हिस्सा है, है, तो यहां आ जाएगा प्यारे साथियों सी डब्ल्यू जी। रट्टा नहीं लगाना, समझना है, कॉन्सेप्ट है ये। जब तक हमें एबीसीडी का पता नहीं रहेगा, ए फोर, ए फोर एप्पल वाला जमाना गया, अपने को कोपेन याद करना है, ए फोर उष्ण कटिबंध, बी फोर मरुस्थल, बी में कितने, दो, एस फोर स्टेपी अर्ध शुष्क, डब्ल्यू फोर शुष्क, छोटा एस था समर ड्राई, छोटा डब्ल्यू था विंटर ड्राई, उसके बाद में एच तापमान ज्यादा,
एच तापमान ज्यादा, सी बराबर उपोष्ण, जी बराबर गंगा तुल्य। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान के अंदर ये वाला वर्गीकरण। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कोपेन के वर्गीकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को अपन स्टेप टू स्टेप देखते हुए चलेंगे। शाबाश बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ले लिया। अब जरा साथियों देखिए, यहां पे प्रश्न क्या बन सकता है, कोपेन से प्रश्न बन सकता है। मानचित्र आपके सामने है, मानचित्र आपके सामने है और आपको फटाफट से जवाब दे देने, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। मान लेते हैं प्रश्न आ गया, ए सुमेलित छाटली, ए सुमेलित छाटली, ए डब्लू सी डब्लू जी बी एस एच डब्लू बी डब्लू एच और इसमें आ गया मान लेते हैं दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। देख के बताओ कौन सा एस सुमेलित। अब इस मैप को देखिए आप, क्या ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान में है जी, क्या सी डब्ल्यू जी पूर्वी राजस्थान में है जी, क्या बी एस एच डब्ल्यू पश्चिम में, बिल्कुल पश्चिम तो यही है ना, एस बी एस एच डब्ल्यू पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में तो क्या है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब यहां पर मान लो उत्तर आ जाता उत्तरी राजस्थान तो क्या सही होता है, नहीं, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में जस्ट देखिए कौन सा है, उत्तरी राजस्थान में बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। पहली टाइप तो साथियों ये बन सकती है। दूसरी टाइप क्या बन सकती है वो मैं आपको बता दूं, आगे समझ में सुमेल। दूसरा आ सकता है सुमेलित कीजिए, और सुमेलित कीजिए में कैसे आएगा जरा गौर करें। सुमेलित करने में प्रश्न आ गया ऐसे, ए डब्ल्यू ये आपके ऐसे आएंगे ऑप्शन, यहां पे आ गया दक्षिणी राजस्थान, यहां पे आ जाएगा आपका उत्तरी राजस्थान, उसके बाद में यहां पे आ जाएगा मध्य राजस्थान, उसके बाद में यहां पे लिख देता हूं मैं प्यारे साथियों, क्या लिखूं, ए डब्ल्यू आ गया, सी डब्ल्यू जी आ गया, पूर्वी राजस्थान, और नीचे आपको क्या मिलेंगे, नीचे आपको विकल्प मिलेंगे। कैसे मिलेंगे विकल्प, देखिए आरबीसी के प्रश्न बन रहे हैं वो बता रहा हूं। विकल्प आपको इस प्रकार मिलेंगे साथियों, जैसे ए बी सी डी, पहला विकल्प मिल गया एक दो तीन चार, दूसरा विकल्प मिल गया साथियों एक तीन चार दो, तीसरा विकल्प मिल गया एक तीन दो चार। अब आपको करना क्या है, चौथा मिल गया मान लो कोई नहीं, इनमें से सही उत्तर छांटना है। अब करें कौन सा करें, बोलो गुरु जी ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है हमारे, आएगी नहीं, समस्या ही खत्म। देखो पहले आप यहां मिलाइए, ए डब्ल्यू जलवायु किधर पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान, ठीक बात है, सी डब्ल्यू जी पूर्वी राजस्थान, ठीक बात है, बी एस एच डब्ल्यू, अब बी एस एच डब्ल्यू किधर है भाई, बी एस एच डब्ल्यू मध्य राजस्थान में, आप इधर कर दीजिए, और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू किधर है, उत्तराखंड। अब ए में एक, ए में एक तीनों में ही है, यहां तो सही है, बी में तीन यहां नहीं है, ये तो हो गया गलत, उसके बाद सी में चार, सी में चार यहां है, ये हो गया सही, ये सही हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं, इसी का टाइप का प्रश्न आ सकता है, यहां पे जिले आ सकते हैं,
जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भी है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कल मुझे ये बताएंगे कि कौन से वाले प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। भाई दिशा आपने देख ली, ऐसे सुमेलित करना देख ली, अब जिलों से आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एडब्ल्यू प्रदेश में नहीं है। एक ऑप्शन आए डूंगरपुर, एक ऑप्शन आए बांसवाड़ा, एक ऑप्शन आए प्रतापगढ़, एक ऑप्शन आ जाए भरतपुर। तो भरतपुर नहीं है, भरतपुर नहीं है। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा एक बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू में नहीं है। विकल्प आ जाए गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू। झुंझुनू बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू में नहीं है, झुंझुनू बी एस एचडब्ल्यू में शामिल किया जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे साथियों कुपेन का वर्गीकरण। अगर आपको वर्गीकरण समझ आ रहा है फटाफट शेयर कर दीजिए। ये वीडियो राजस्थान के हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए जो कुपेन नामक इस टॉपिक से डरता था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब अपन बात करते हैं थानथ्वेट की। कुपेन के बाद अपन बात करेंगे किसकी साथियों, थानथ्वेट की। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए साथियों, अब अपन बात कर रहे हैं थानथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण उसकी। अब थानथ्वेट महोदय ने क्या क्या बातें कही सुनी। पहली बात तो ये कि थानथ्वेट महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण था वो पहली बार कब सामने है। तो मित्रों गौर करें, थानथ्वेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण पहली बार 1931 में और संशोधित और विस्तृत रूप में 1933 में। ठीक है, कुपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में आधार क्या माना था। कुपेन ने आधार माना था वनस्पति और थानथ्वेट महोदय आधार मानते हैं वर्षा को और साथ में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को। ये याद रखने वाली बात है, पेपर में पूछी जाती है मित्रों, आधार वर्षा को और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। कुपेन है वो आधार किसको मान रहा है, वर्षा को और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को। कुपेन ने आधार किसको माना, वर्षा को और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। अब ध्यान देंगे साथियों यहां पर प्रश्न बना कि कुपेन ने आधार तो मान लिया वर्षा को, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, सॉरी थानथ्वेट ने, कुपेन ने तो आधार किसको माना था, कुपेन ने आधार माना था वनस्पति को और थानथ्वेट ने मान लिया इसको। क्या थानथ्वेट ने भी कूट दिए हैं? जी बिल्कुल, कूट क्यों नहीं देंगे, जब कुपेन महोदय कूट दे सकते हैं ये भी देंगे। इनके कूट कुछ अलग है। इन्होंने एक तो प्यारे मित्रों कूट दिया ए बी सी डी, एक इन्होंने कूट दिया ए बी सी डी ई एफ। बोले तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, है नहीं ना एक जैसे लग रहे हैं, है नहीं एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये कोमा बोलो लेजेंड है, अपोस्ट्रोफी। कुपेन ने कहा, सॉरी कुपेन ना मारे, थानथ्वेट, थानथ्वेट ने कहा कि ए बराबर, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब साथियों है तर जलवायु, तर यानी बहुत ज्यादा आद्र, अति आद्र, बिल्कुल तर जलवायु। उसके बाद भी ये कहा आद्र जलवायु जहां बिल्कुल सघन वन पाए जाते हैं। यहां तर में कैसे वन है, वर्षा वन है, आद्र है इसमें सघन वन, बहुत ज्यादा वर्षा, सी ये थोड़ी सी कम वर्षा, और जहां पे वन और घास पाई जाए। उसके बाद डी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, और फिर ई ये पूर्णतया शुष्क। ठीक है बात, थानथ्वेट महोदय का विस्तृत वर्गीकरण फिर मैं कह दूं, फर्स्ट ग्रेड और नेट के लिए अलग से डालूंगा, ये केवल राजस्थान से रिलेट कर रहे हैं अपन, है ना। तो कहीं भूगोल के मेरे साथी दो चार जुड़े हुए हों वो ये सोचें कि गुरुजी ने तो पूरी बातें नहीं बताई, उन्होंने तो कुछ सूचकांक भी दिए थे, पी सूचकांक, वो नहीं, यहां नहीं करनी बात, यहां इन लोगों के ऊपर से चला जाएगा फिर, जो सामान्य तैयारी कर रहे हैं ना वो अपन अलग से अलग क्लास में चर्चा करेंगे। तर अति आद्र, ये आद्र, ये उपाद्र, ये अर्ध शुष्क और ये शुष्क। ठीक है, अब ए उपोस्ट्राफी बराबर क्या कहा, ए उपोस्ट्राफी बराबर महोदय ने कहा उच्चता। ठीक बात है, बी बराबर क्या कहा, मध्यता,
सी बराबर क्या कहा? निम्नता। याद रखना है ए बराबर क्या कहा? उच्चता। बी बराबर क्या कहा? मध्यता। सी बराबर क्या कहा? निम्नता। अब मित्रों गौर करें, डी बराबर क्या कहा? टेगा। ई बराबर क्या कहा? टुंड्रा। और एफ बराबर कहा? हिमाच्छादित। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न बनेगा जैसे अपन कोपेन में अपन ने नाम लिए थे, कोपेन के अकॉर्डिंग क्या थी जरा बताएंगे आप, मैं किधर लिखूं कोपेन वाला, यहां लिख देता हूं। कोपेन ने ए डब्ल्यू दिया था, कोपेन ने बी एस एच डब्ल्यू दिया था, कोपेन ने बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू दिया था और सी डब्ल्यू जी दिया। इनमें किसी भी प्रकार की कोई अपोस्ट्रोफी वगैरह नहीं थी। और यहां पे ये चिन्ह है, जहां पे ऐसा चिन्ह दिखाई दे जाए बिना सोचे समझे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसे कह सकते हैं ये तो थानथ्वेट का ही। जहां पे ये चिन्ह दिखाई दे जाए जिस भी नाम के अंदर वैसे नामों में, वो वर्गीकरण निश्चित रूप से किसका होगा? थानथ्वेट का। ठीक बात। अब जरा गौर करो, इसके बाद में यहां छोटे छोटे और दिए थे, एक दिया छोटा एस वो ही समर ड्राई, एक दिया डब्ल्यू वो ही विंटर ड्राई, एक दिया आर रेनी वर्ष भर वर्षा, और इसके बाद में एक दिया मित्रों डी, डी का मतलब शुष्क, बोले तो जहां वर्षा की कमी, वर्षा की बहुत ज्यादा कमी वहां आएगा डी। अब जरा गौर करो ये आ गया पूरा राजस्थान, ठीक है, क्या राजस्थान में तर जलवायु है? नहीं। कहां है तर जलवायु? पूरे राजस्थान में ले देके वर्षा होती है 57 सेंटीमीटर, 58.51। आर्द्र है? नहीं। वो अलग था वर्गीकरण, ये थानथ्वेट का व्यक्ति विशेष का, इसके जचे वैसे करेगा भाई, जरूरी थोड़ी अपने अकॉर्डिंग करे। तो ना तो राजस्थान में ये काम में आएगा ना राजस्थान में ये काम। अब राजस्थान में काम कहां से आएगा? सी से। उपाद्र अर्ध शुष्क शुष्क, आप इसमें देख के बताओ, अगर इसमें से आपको ये कहा कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती तो आप क्या कहोगे? यहां। तो यहां मैं लिख देता हूं मित्रों सी। उसके बाद वर्षा कम होती है यहां, उसके बाद वर्षा कम होती है यहां, और सबसे कम वर्षा होती है यहां। हो गया, ठीक है। अब ये तो होगी कहानी पूरी, इधर से चलते हैं। क्या राजस्थान के अंदर हिमाच्छादित है? तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में हिमाच्छादित नहीं। क्या राजस्थान में टुंड्रा है? नहीं। क्या राजस्थान में टेगा है? नहीं। क्या राजस्थान में निम्न ताप है? नहीं, निम्न ताप तो नहीं है राजस्थान में। हाँ, मध्य ताप और उच्च ताप है। तो थानथ्वेट महोदय के अकॉर्डिंग यहां उच्च तापमान तो ए आ गया, यहां भी तापमान उच्च ए आ गया। थानथ्वेट ने माना अक्षांशी स्थिति के आधार पर, इस वाले भाग में ऐसा नहीं है, तो यहां बी आ गया, यहां भी तापमान अधिक है ए आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करना ए ए ए बी, क्या राजस्थान में डब्ल्यू आएगा? क्या आएगा? सी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू। अब यहां पे वर्षा कम ही नहीं बहुत कम होती है, ई ए डी, ई ए डी। ये हो गया जी थानथ्वेट का वर्गीकरण। थानथ्वेट के अकॉर्डिंग सी ए डब्ल्यू जलवायु कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। डी ए डब्ल्यू जलवायु कहां पाई जाती है? लगभग मध्य राजस्थान में। और राजस्थान का अधिकांश जो एरिया है वो कौन सी जलवायु से कवर होता है मित्रों? डी ए डब्ल्यू जलवायु से, उसके बाद में डी बी डब्ल्यू और उसके बाद में ई ए डी। प्रश्न आ जाए कि ई ए डी जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका उत्तर आ जाएगा राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में। उत्तरी राजस्थान में थानथ्वेट के अकॉर्डिंग डी बी डब्ल्यू पाई जाती है, मध्य राजस्थान में थानथ्वेट के अकॉर्डिंग डी ए डब्ल्यू पाई जाती है, और दक्षिणी राजस्थान में थानथ्वेट के अकॉर्डिंग सी ए डब्ल्यू पाई जाती है। कोपेन में थोड़ा सा अलग था, क्या था? कोपेन यहां कह रहे थे ए डब्ल्यू है, यहां कह रहे थे बी एस एच डब्ल्यू, यहां बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू या सी डब्ल्यू जी। तो ये था थानथ्वेट का वर्गीकरण, फटाक से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लीजिए, शाबाश। तो साथियों अब अपन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं फटाफट से। ये महोदय क्या है? ये महोदय कोपेन। ये कौन से महोदय हैं?
थानथ्वेट। एक और आता है नाम, लगभग प्रश्न नहीं आता है परीक्षाओं में, लेकिन बाय चांस आ जाए तो अपन तैयार है, तिवान। कोपेन ने क्या कहा? कोपेन में एबीसीडी शुरू हुई ए से, ऐसे शुरू हुई ए डब्ल्यू, ए के बाद बी में आए, बी के बाद फिर बी में आए, फिर सी में आए, ए डब्ल्यू के बाद में बी एस, बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, ठीक बात। थानपेट में आए, कहां से शुरू हुई? सी से, सी के बाद में डी, डी के बाद में डी, इसके बाद में ई, यहां बी दो बार आया था, ऐसे घूमे थे, इसमें ऐसे घूम जाओ, डी दो बार आई है, सी ए, आपको मां याद रखनी है, डब्ल्यू डी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू, ई ए डी। अब आ जाओ तिवारथा में, तिवारथा में कुछ नया नहीं, सीधा उसकी कॉपी पेस्ट है, किसकी? कोपेन की, ए डब्ल्यू, ठीक है, यहां बी एस एच आ गया, डब्ल्यू नहीं लगाया इन्होंने, बी डब्ल्यू एच आ गया और यहां सी डब्ल्यू ए आ गया। ये वर्गीकरण किसका? तिवारथा का, ये थानथ्वेट का, ये कोपेन का वर्गीकरण। अब आज का चैलेंज क्वेश्चन नहीं है, आज का चैलेंज क्वेश्चन नहीं है, बोले गुरु जी क्यों नहीं है? आज का आपका होमवर्क है कि इन तीनों के कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, ये आप टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप करने में किसी के दिक्कत है तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जीके बाई नेवरी सर। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहां लिख देता हूं, जी के बाई नेवरी सर। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाएं आप, अपने फोन से फोटो खींचे, अनावश्यक चैटिंग किसी को नहीं करनी है, वरना इसको ओनली एडमिन कर दिया जाएगा। फोटो खींचे अपने फोन से, लिख के रजिस्टर में, और वो फोटो आप वहां पे सेंड कर दें। ये आपका होमवर्क है, जो सबसे पहले ये काम करेगा वो बन जाएगा सिकंदर, वो बन जाएगा विजेता। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से हम थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो लोगों की समझ में तो आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल निसंदेह नीचे कमेंट करें, बताएं कि साहब ये दिक्कत आ रही है। कल एक प्रश्न आया था कि गुरुजी क्या ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ है, ये उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं क्या? उत्तर पश्चिम भारत में, और ये उत्तर भारत में ही है क्योंकि धीरे इधर आते आते कमजोर पड़ जाते हैं। अरावली के एंड में अवरोधक का काम करती है क्या? बिल्कुल करती है, अगर अरावली नहीं होती तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते। तो ये बातें थी। क्लास अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। मिलते हैं साथियों नई क्लास के अंदर, नए नॉलेज के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।